जब हमने कहलवाया था कि चंद्र ग्रहण के बाद कोई भी अपने कमरे से बाहर कदम नहीं रखेगा, तो तुम दोनों ने इस घर की चौखट पार करने की हिम्मत कैसे की? गुड मॉर्निंग दादी। देखो इस घर में जब अपने कमरे से निकलो ना बाहर, तो ढंग के कपड़े पहना करो। भाभी माँ, ये पान का पत्ता बड़ी माँ के पैरों पर लगा दीजिएगा। माँ जी, सुरभि भी बच्ची है, अगर उसे प्यार से समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। बच्ची ना है, बहू है इस घर की। अरे माना, नई जगह में रमने बसने में वक्त लगता है, लेकिन उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर तुम लोग और भी बड़ी गलती कर रही। अरे तुम भी तो इस घर में ब्याह के आई थी, तब तुम्हें भी इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था। हमने सिखाया ना, तो प्यार से सिखाया, तो अब सुरभि को इस घर के तौर तरीके सिखाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की। तुम उसे समझाओगी, तुम सिर्फ उसकी सास ही नहीं, उसकी माँ भी हो। इसीलिए उसकी गलतियों पे उसको डांटना ये तुम्हारा हक है। जी माँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आगे से हम आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं देंगे। हाँ दीदी। जी माँ जी। हाँ, समझा देना प्यार से। इधर तुम लोग ऑफिस जाओ, हम थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन भाभी, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहाँ ना जाओ। अब हम ठीक हैं। ठीक है, ख्याल रखिए। अरे माँ, वरुण को तो हर बात मजाक लगती है। ये भी कोई बात हुई? अगर इन लोगों को फैशन सेंस नहीं है तो व्हाट कैन आई डू? सुरभि इतनी टेंशन क्यों ले रही है? कुछ ही दिनों की तो बात है, बहुत जल्द तुझे वापस भोपाल ही तो आना है। वही तो माँ, कब आऊंगी मैं भोपाल? अच्छा सुन, बाद में बात करते हैं, ठीक है? लता, अब थोड़ा आराम लग रहा है। बहुत अच्छा नुस्खा है, कहाँ से सीखा तुमने? हमें लगता है हम एक बार और लगा लेंगे, थोड़ा और आराम हो जाएगा। एक और बना के ले आना। जी जी भाभी माँ, मैं बस नया लेकर आती हूँ। सुमन, वो तुम थोड़ी देर के लिए भाभी माँ के पास बैठोगी? मैं अभी आती हूँ। ओ, मैं ना भूमि से दूसरा पत्ता लेके जा रही हूँ। जो नुस्खा है ना, उसी का है। ओ, दिन तक। ओ, तो ये बात है। दिन तक। भूमि, तुम्हारा नुस्खा ना बहुत काम कर रहा है, भाभी माँ को बड़ा आराम है। बेटा, उन्हें एक और नया पत्ता चाहिए, तुम बना दोगी? हाँ माँ, अभी बना देती। माँ, आपने पान का पत्ता देखा है क्या? नहीं, शाम में यही कहीं रखा होगा। रुको, मैं ढूंढती हूँ, तुम वहाँ देखो। पत्ते के बारे में पूछ रही है, तैयार हो गया? हाँ हाँ, बस चलते हैं। भूमि बेटा, जल्दी। ये लीजिए। चल। बड़ी माँ,
अब आपका दर्द कैसा है? अब काफी ठीक है, लता के नुस्खे से काफी आराम है। आह, क्या क्या कर रही हो? बहुत गर्म है, हटाओ इसे, हटाओ। क्या किया लता? हमारा पैर जल गया। भाभी माँ, वो भाभी माँ, इसमें लता दीदी की कोई गलती नहीं है। ये पत्ता तो भूमि ने बना के दिया था। हमें लगता है हमारी बात ना मानने की तुम सब ने कसम खा रखी है। हमने मना किया था ना कि इस लड़की को हमसे दूर रखना, फिर तुमने इसकी मदद क्यों ली लता? हमें दर्द से तड़पना मंजूर है, पर इस लड़की की कोई मदद नहीं चाहिए। ये लड़की अमृत को भी हाथ लगाती है तो भी जहर बन जाता है, और इसका नतीजा तुम सबके सामने है। हम आखिरी बार सबसे कह रहे हैं कि इस लड़के की परछाई तक हमारी किसी चीज पे नहीं पड़नी चाहिए। हमें ना तो इसकी कोई मदद चाहिए और ना ही दया। बड़ी माँ, आपको बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने ये, मैं बस आपका दर्द दूर। ए लड़की, हमारे लिए तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारी खुशी या गम से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मान ने भले ही तुम्हें पत्नी स्वीकार कर लिया हो, पर हम तुम्हें अपनी बहू कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम सब जा सकते हो, हमें आराम करना है। मम्मी जी ने मुझे इस बोरिंग काम के लिए तो नहीं बुलाया? अरे सुरभि, वहां कहां जा रही हो? इधर आओ ना। जी मम्मी जी। अरे आओ ना इधर। ये क्या कर रही हो सुरभि? कपड़े तय कर रही हूँ, आपने उसी के लिए बुलाया था ना। नहीं बेटा, ये सब मैं कर लूंगी, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। ओह, चलिए कोई बात नहीं, देखिए मैंने आपकी हेल्प कर दी। हाँ
थैंक यू. अरे कम ऑन मम्मी जी, व्हाट थैंक यू एंड ऑल, इट वाज माय प्लेजर. बेटा मैंने तुम्हें ना सुबह वाली बात के लिए बुलाया. नाइटी वाली बात के लिए? हाँ बेटा, सुबह सुबह ना घर में सब लोग होते हैं और सब तुमसे बड़े हैं, है ना? तो जब कमरे से बाहर निकलती हो ना तो अपने कपड़ों का ध्यान देना चाहिए. ओके मामी जी, मैं ध्यान रखूंगी. पर मुझे नहीं पता था कि दादी जी को फैशनेबल कपड़ों से प्रॉब्लम है. मेरा मतलब इस घर में किसी को भी फैशनेबल कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब क्या पहनना है, कैसे पहनना है, वो जरूरी है. ओके मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी. अभी मैं जाऊं? क्या है ना, वरुण आने वाले. अच्छा हाँ, एक बात और. मैं जानती हूँ कि तुम अपने कमरे के एसी को लेकर थोड़ी परेशान हो. अब मैं चाहती हूँ कि... अरे मम्मी जी वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो गई. मतलब? माँ भी ना, उनको मेरी नींद को लेकर इतनी टेंशन हो गई थी कि उन्होंने मुझे पूरा का पूरा स्प्लिट एसी गिफ्ट कर दिया. देखो ऐसे कैसे वो... अरे मम्मी जी जाने दीजिए ना, अब आप लोग एसी की टेंशन मत लीजिए, माँ ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. ओ गॉड, मैं तो माँ को एड्रेस देना भूल गई. मम्मी जी मैं चलती हूँ, माँ को एड्रेस देना. गुड नाइट. ये नहीं होना चाहिए, ठीक नहीं है ये. हाँ तो मैं काम करना, वो फाइल्स मेरी टेबल पर रख देना, मैं देख लूंगा. ठीक है. हाँ मैं जानता हूँ कि कल पूरे दिन मुझे साइट पर ही रहना होगा. अब टेम्परेचर 44 डिग्री हो या 4 डिग्री, काम तो पूरा करना ही पड़ेगा ना. आजकल बाहर इतनी धूप है, कहीं इन्हें लू लग गई तो. अब सर्दी और गर्मी के चक्कर में घर पर तो नहीं बैठ सकते. अब जो होगा देखा जाएगा, बस एक काम ढंग से हो जाए. चलो सी यू. या चलो अच्छा है, महाकाल की दया से दोनों बच्चे अपने अपने घरों में अच्छी तरह सेटल हो गई. हाँ खुश हैं, बहुत अच्छा लगा देख के. और भाभी माँ भी? क्या हुआ जानकी, कुछ परेशान लग रही है? जी मेरी अभी सुरभि से बात हो रही थी. मैं उससे कहना चाह रही थी कि हम उसके कमरे में एसी थोड़े वक्त में लगवा देंगे, लेकिन उसने बताया कि सुमन जी ने उसके कमरे के लिए एसी बुक कर दिया है और थोड़े दिनों में एसी आ भी जाएगा. तो ये क्या बात हुई, हमसे पूछे बिना अपनी माँ को हाँ कह दिया? हाँ बेटा, तुम्हें उसे समझाया नहीं कि हमारे यहाँ ऐसे किसी के ससुराल से तोहफे नहीं लिया करते? जी बाबू जी मुझे पता है, लेकिन वो इतनी खुश थी कि मैं उससे कुछ कह ही नहीं पाई. फिर भी जानकी तुम्हें उसे बताना चाहिए था कि हमारे यहाँ ऐसे तोहफे में महंगी चीजें नहीं लेते, और फिर कुछ दिनों में तो हम उनके कमरे में एसी लगवा ही देते. जी मैं कह तो देती, लेकिन आप भी एक बात समझिए ना, जिन चीजों की सुरभि को आदत है वो उसे अगर इस घर में नहीं मिलेंगी तो वो इस घर को अपना कैसे बना पाएगी? आप बुरा मत मानिए माँ जी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बच्चों के कमरे में एसी लगवा देना चाहिए. देखो जानकी बहू, हम मानते हैं कि बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, उन्हें भी तो सब्र करना सीखना चाहिए. आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माँ जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सुरभि जिस माहौल में पली बड़ी है ना, उसे वहाँ सारे ऐशो आराम मिलते थे, वो सब छोड़कर वो यहाँ पे एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है, और ऐसे में हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि जितना ये घर वरुण का है उतना उसका भी है. और माँ जी मुझे पूरा यकीन है कि
कि जिस हक से वो इस घर को अपना मानकर ये जिद कर रही है ना, देखिएगा एक दिन जल्द ही वो इस घर की जिम्मेदारी उठाने लायक भी हो जाएगी। और फिर भी माँ बाबूजी आप चिंता ना करें, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है, लगवा दो ऐसी। थैंक यू माँ जी, थैंक यू सो मच। मैं कल ही ये बात सुरभि को बता दूंगी। लेकिन जान की बहू एक बात याद रखो कि आज उसने एसी की जिद की है, कल को किसी और चीज की ना करें। और ये समझाना तुम्हारा काम है कि इस घर में जरूरतों को अहमियत दी जाती है, ऐसो आराम को नहीं। जी माँ जी। ये उबले हुए आम का रस है, आज आपको दिन भर बाहर रहना है, इसे पी लेंगे तो आपको हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम्हारी ये मदद और चिंता उसको दिखाओ जिसे इससे कोई फर्क पड़े, बट अनफॉर्चुनेटली इस कमरे में या इस घर में किसी को तुम्हारे झूठे प्यार से कोई मतलब नहीं है। पंच प्लीज इसे पी लीजिए, बाहर बहुत गर्मी है, इसे पी लेंगे तो आपको लू भी नहीं लगेगी। अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुम पी लो, मुझे नहीं चाहिए। सो क्यों? जी मम्मी जी, अभी फ्रेंड्स बुक पर मैं वरुण और मेरी शादी की फोटोज ही देख रही थी, मेरी फ्रेंड ने अपलोड की थी। बैठिए ना, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम देखो, मैं बाद में देख लूंगी। फिर मम्मी जी, वैसे आपको कोई काम था? हाँ बेटा, तुमसे कुछ बात करनी थी। जी बोलिए ना। हमने तुम्हारे कमरे के एसी के लिए सबसे बात कर ली है और सब मान भी गए। पर एसी माँ ने तो ऑलरेडी बुक कर दिया है। सुनिए बेटा, हमारे यहाँ ना बेटी या बेटी के ससुराल से कुछ भी लेना पसंद नहीं किया जाता। तुम सुमन जी को बता देना, वो समझ जाएंगे। ओके मम्मी जी, मैं बता दूंगी। एक बात और, तुम्हें कौन सी कंपनी का एसी चाहिए, कौन सा मॉडल नंबर चाहिए, ये भी बता देंगे। ओके मम्मी जी। चल ये क्या नया ड्रामा है, माँ ने तो एसी ऑलरेडी बुक करवा दिया, उन्होंने तो पेमेंट भी कर दी होगी एसी के लिए, और ये लोग मानेंगे भी नहीं। अब दो दो एसी का क्या करूंगी। My God, you idiot, Surbhi. इतना अच्छा आइडिया तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? Hi, Surbhi. कैसी है बेटा? अरे माँ, आधे घंटे पहले तो आपसे बात हुई थी, आधे घंटे में क्या हो जाएगा मुझे? तू क्या जाने, एक माँ की ममता। हाँ हाँ ठीक है, अभी ना अपनी ओवर इमोशनल ड्रामे बंद करो और मेरी बात सुनो। जो आपने एसी बुक किया है ना, वो कौन सा है? बहुत महंगा वाला है, तुझे बहुत पसंद आएगा। हाँ हाँ पसंद आएगा, बट ये बताओ ना कि मॉडल नंबर कौन सा है, कौन सी कंपनी का है। अरे वो था ना, वो इन्वर्टर वाला जिसे बड़ी बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, क्या नाम है उसका? बीजी। बीजी। अच्छा माँ, मुझे एसी जल्दी चाहिए। एक सेकंड रुक। छोटी भाभी, आपको भाभी माँ ने अभी के अभी बुलाया है। अच्छा सुरभि, मैं रखती हूँ, हिटलर बुला रही है। अब मैं इन लोगों से यही मॉडल वाला एसी मंगवाऊंगी, और जो माँ एसी भेजती है उसे मैं ऑनलाइन बेच दूंगी। इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसों से मेरी एक्स्ट्रा शॉपिंग।
हाँ इंदर, हमने कंप्यूटर इंजीनियर को बुलवा लिया था पर वो नहीं आ सकता। देखो तुम्हें तो पता है कि आज हर हाल में वो सारे डॉक्यूमेंट हमें हांगकांग भेजने हैं, वरना डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लैपटॉप में हैं, हम लैपटॉप रिपेयर करने बाहर नहीं भेज सकते क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सारी फाइलें उसमें हैं। ठीक है, तुम कंपनी को फोन करो, तब तक हम सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बुलाया आपने सुमन? हमने तुम्हें वो टेलीफोन वाली डायरी दी थी ना, कहाँ है वो? वो हाँ है मेरे पास। उसमें कंप्यूटर रिपेयर करने वालों के नंबर है, उन्हें फोन करो और देखो कौन आ सकता है अभी का अभी। ठीक है। हेलो, हाँ मैं प्रजापति हाउस से बोल रही हूँ, आप अभी के अभी हमारे घर आ सकते हैं क्या? एक्चुअली थोड़ा सा देख नहीं जा सकती, थोड़ा अर्जेंट है। क्या 4 घंटे? अरे भैया काम तो हमें अभी है ना, भाभी माँ का लैपटॉप खराब हो गया, उन्हें अर्जेंटली उसे अभी के अभी ठीक करवाना है। हा? नहीं आ सकते? नहीं आ सकते तो पहले बोल देना चाहिए था ना, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया बता। चौथा बंदा जिसने मना किया, अब मैं किसे फोन करूं? तुम क्यों डायरी लेके खड़ी हो? बड़ी माँ इतनी परेशान है, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए पर कैसे, उन्हें तो मेरी कोई हेल्प नहीं चाहिए।